Hi friends, in this video we'll study chapter number 5, Earth Our Home of class 6 SS NCERT GSEB syllabus. दोस्तों इस वीडियो में हम पांचवा पार्ट करेंगे अर्थ आर होम, ये छठी कक्षा की एक्सेस टेक्स्ट बुक में से है, NCERT GSEB syllabus में से है। फ्रेंड्स, एज वी नो, अर्थ इज़ अ प्लैनेट वेर वी स्टे, एंड फॉर अस एंड फॉर ऑल ऑफ अस इट इज़ अवर होम। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नो अबाउट द अर्थ एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन सेड अबाउट द अर्थ इन दिस चैप्टर। वील ट्राई टू लर्न मोर अबाउट इट इन डिटेल। दोस्तों, पृथ्वी अर्थ एक ऐसा ग्रह है जहाँ हम रहते हैं, हमारे लिए ये हमारा घर है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ इस चैप्टर में एक्सप्लेन भी की हैं, उसी को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel Gyan Gurvani. दोस्तों, इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल Gyan Gurvani के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी, चलो 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। एज वी नो, वी लिव इन द प्लैनेट अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं, हम अर्थ पृथ्वी नाम के इस ग्रह पर रहते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड रेड एंड सीन दैट अर्थ इज़ राउंड। आपने ये सुना रहेगा, पढ़ा भी रहेगा और जानते भी रहोगे, देखा भी रहेगा कि पृथ्वी गोल है। सिंस यू लिव ऑन अर्थ, यू डू नॉट रियलाइज दैट द अर्थ इज़ राउंड। जबकि आप पृथ्वी पर रहते हो, आपको ये पता नहीं चलता कि पृथ्वी गोल है। यू कैनॉट सी इट्स शेप बिकॉज द अर्थ इज़ टू वास्ट। आप इसका आकार नहीं देख सकते हो क्योंकि ये पृथ्वी बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ा ग्रह है ये पृथ्वी का। ओवर हियर फ्रेंड्स, दिस पिक्चर फ्रॉम द सैटेलाइट इज शेयर्ड विद यू सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। दोस्तों, यहाँ सैटेलाइट से लिया गया हुआ चित्र, उपग्रह से लिया गया चित्र आपके लिए शेयर किया गया है, ताकि आपको एक अंदाज़ा आए कि पृथ्वी का आकार कैसा है। सो द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन वी प्रूव दैट अर्थ इज़ राउंड। तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम कैसे साबित कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है। इफ़ वी गो टू द मून एंड लुक एट द अर्थ, वी ऑब्जर्व दैट इट इज़ राउंड। अगर हम चंद्र पर जाएं और पृथ्वी की तरफ देखें, तो पता चल जाता है कि पृथ्वी गोल है। मैनी एस्ट्रोनॉट्स हैव टेकन फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस स्पेस एंड द पिक्चर्स शो द स्फेरिकल और राउंड शेप ऑफ द अर्थ। बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स ने पृथ्वी के फोटोज़ लिए हैं चंद्र पर जाकर, और उन फोटोज़ को देख के पता चल जाता है कि पृथ्वी का आकार गोल है। द ग्लोब, इफ़ यू ऑब्जर्व द ग्लोब, यू विल फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन इन इट। अगर आप पृथ्वी के गोले को देखते हो जो बनाया गया है इंसानों से, जैसे यहाँ पिक्चर में दिया गया है, उस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाई गई हैं। These lines are actually not drawn on the earth and are imaginary lines. ये lines को पृथ्वी पर नहीं बनाई गई है, लेकिन ये काल्पनिक line है, रेखाएँ हैं जो globe पर बनाई गई है। The horizontal lines are called latitudes and the vertical lines are called longitudes. जो lines left से right की तरफ या right से left की तरफ जाते हैं, उनको horizontal lines कहते हैं, उनको latitudes कहते हैं, और vertical lines जो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आती है, उनको vertical lines कहते हैं, उनको longitudes कहते हैं। ऑब्जर्व द ग्लोब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उस ग्लोब को ऑब्जर्व कीजिए और नीचे के प्रश्न के उत्तर देने की प्रयास कीजिए। विच हॉरिजॉन्टल लाइन्स डिवाइड द ग्लोब इंटू टू इक्वल पार्ट्स। कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन पृथ्वी के गोले को दो हिस्सों में बांट देती है। नेम द अपर पार्ट ऑफ द ग्लोब विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड नेम द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। उस पृथ्वी के हिस्से का क्या नाम है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नॉर्थ दिशा में है, और उसका क्या नाम है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साउथ के दिशा में है। नेम द अदर टू डार्क पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब। और दो डार्क पैरेलल लाइंस भी इस ग्लोब पर है, उसके नाम क्या क्या है प्लीज़ बताइए। नाउ देयर इज अ स्मॉल एक्टिविटी दैट यू नीड टू डू हियर। फर्स्ट पार्ट इज टू आइडेंटिफाई द गिवन फिगर्स। If necessary, you might want to take your teachers or elders' help, guidance helps.
दोस्तों और दो एक्टिविटीज़ यहाँ करनी है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप आपके गाइडेंस की या टीचर की हेल्प ले सकते हो। इन आकारों को, इन लाइंस को आपको बताना है क्या क्या है। दूसरी एक्टिविटी इज़ टू टेक द ग्लोब एंड फ्लैश द लाइट ऑफ अ टॉर्च ऑन ऑन फ्रॉम अ डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर एंड नोट दी ऑब्जर्वेशन। जैसे फिगर में बताया गया है, एक बत्ती लेनी है आपको, टॉर्च लेना है, उसको एक थोड़ी सी दूरी से लेकर उस ग्लोब पर उसको रखना है और ऑब्जर्वेशंस करने हैं। ये तो ऑब्जर्व एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। विच लैटिट्यूड रिसीव्स मैक्सिमम लाइट? अब आपकी निरीक्षणों पर ये प्रश्नों के जवाब दीजिए। पहला प्रश्न है, कौन से लैटिट्यूड को सबसे ज़्यादा रोशनी मिलती है? विच लैटिट्यूड गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइट्स? कौन सी लैटिट्यूड को सबसे कम अमाउंट ऑफ लाइट मिलती है? विच लैटिट्यूड रिसीव्स एवरेज लाइट? कौन सी लैटिट्यूड को एवरेज लाइट मिलती है? नेम द कंट्रीज विच रिसीव लाइट फ्रॉम द टॉर्च? कौन से देशों को टॉर्च की मदद से रोशनी मिलती है? उन देशों के नाम लिख रहे हैं, यहाँ छः देशों के नाम आप लिख सकते हो। यू कैन राइट कंट्रीज नेम्स ऑफ ऑलमोस्ट सिक्स ओवर हियर। द अर्थ इज डिवाइडेड इन टू वेरियस टाइम जोन्स अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड द हीट ऑफ द सन। पृथ्वी को कई हिस्सों में बांटा गया है, उनके जोन्स में बांटा गया है टेम्परेचर के हिसाब से और सूरज की धूप के हिसाब से। दीज जोन्स आर कॉल्ड क्लाइमेट जोन्स और हीट जोन्स। इन जोन्स को क्लाइमेट जोन या हीट जोन्स कहते हैं। द फिगर 5.4 शोज द क्लाइमेट जोन ऑफ द अर्थ। फिगर 5.4 में क्लाइमेट जोन पृथ्वी का यहाँ बताया गया है। वी कैन डिवाइड द अर्थ इंटू थ्री जोन्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड। जिस हिसाब से उनको जो गर्मी मिलती है, सूरज की गर्मी मिलती है, उसके हिसाब से हम पृथ्वी को तीन जोन में डिवाइड कर सकते हैं। सो द क्लाइमेटिक जोन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एज वी सेड बिफोर। लेट्स लुक इनटू इट डीपली। सो जो क्लाइमेटिक जोन्स में तीन हिस्सों में पृथ्वी को बांटा गया है, उसको ज़रा और गौर से जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज द टॉरिड जोन। पहला है टॉरिड जोन। एक्सट्रीम हीट, यहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, हैवी रेनफॉल, बहुत ही ज़्यादा बारिश भी होती है, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा ऊपर रहता है। वेरिड वेजिटेशन एंड वेरिड एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के वेजिटेशंस भी होते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रजातियों के जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। सेकेंड इज द टेम्परेट जोन, मॉडरेट हीट, यहाँ एवरेज हीट होती है, मॉडरेट रेनफॉल होता है, रेनफॉल भी मॉडरेट है, मॉडरेट टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज मॉडरेट एंड फ्यू वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, अलग अलग किस्म के, बहुत कम किस्म के फ्लोरा फॉर वेजिटेशन एंड एनिमल्स में यहाँ होते हैं। फ्रिजिड जोन, थर्ड जोन इज द फ्रिजिड जोन, एक्सट्रीम कोल्ड, इस जोन में ठंडी बहुत ही ज़्यादा होती है, नो रेनफॉल, यहाँ बारिश ज़रा भी नहीं होती है। 9 months covered with ice, scanty grass, यहाँ के साल के 9 महीने पूरे आइस से कवर्ड होते हैं और ग्रास बहुत ही कम होता है, बहुत कम देखने मिलता है। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। इफ यू ऑब्जर्व द ग्लोब यू विल सी दैट द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू लैंड एंड वाटर। अगर आप पृथ्वी को गौर से, ग्लोब को गौर से ऑब्जर्व करोगे तो आप पृथ्वी को देखोगे कि दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक तो जल स्तर है और दूसरा ज़मीन, मतलब लैंड है और पानी है। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ये बड़े बड़े पृथ्वी के, ज़मीन के जो हिस्से हैं उनको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। एंड द लार्ज एरियाज कवर्ड विद वाटर आर कॉल्ड एज ओशंस। और पानी के जो बड़े बड़े हिस्से हैं उनको हम ओशन कहते हैं, समुद्र कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 7 continents हैं और बहुत सारे ओशंस भी है। देर आर 7 continents एंड 5 oceans ऑन अर्थ। पृथ्वी पर 7 खंड हैं और 5 बड़े समुद्र हैं। ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट इन द बॉक्सेज गिवन बिलो यूजिंग एन एटलास। एटलास की मदद से हमारे जो महाद्वीप खंड हैं उन सारे खंड को एक आउटलाइन आप पिक्चर ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए, नीचे जो बॉक्सेस दिए हैं उसमें। यू विल फाइंड दैट दिस 7th continent एंटार्क्टिका हैज़ नॉट बीन मैंशनड। आप देखोगे कि जो 7वां हमारा खंड है एंटार्क्टिका, उसका उल्लेख यहाँ नीचे नहीं किया गया है। यू कैन लोकेटेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द ग्लोब। ग्लोब के साउथ के दिशा में, दक्षिणी दिशा में आप एंटार्क्टिका को पाओगे। सो आई हैव अ स्मॉल क्विज फॉर यू ओवर हियर। दोस्तों आपके लिए मेरे पास एक छोटी सी क्विज है। इंडिया रिसाइड्स इन द एशियन कॉन्टिनेंट। भारत देश एशिया के खंड में आता है। माई रिक्वेस्ट टू यू इज़ टू नोट डाउन 6 other countries दैट आर देयर इन एशिया।
तो आपके लिए क्विज़ ये है कि आपको कोई भी 6 ऐसे देशों के नाम भेजने हैं जो एशिया खंड में हैं। सो फ्रेंड्स, अ वेरी स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन। दोस्तों, एक बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो ये वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दिस इज़ कन्हैया पटेल। जय स्वामी नारायण।